नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। जम्मू कश्मीर की बात करूं एक बार फिर से, जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट बदल ली है। एक बार फिर से सोमवार से जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर जम्मू की बात करूं तो यहां पर सोमवार से लगातार हल्की बूंदाबांदी हो रही है और दिन का तापमान जो है वो उसमें गिरावट दर्ज की गई है। और अगर कश्मीर की बात करूं तो कुछ इलाकों में सोमवार से ही हल्की बर्फबारी भी है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया है कि अगले 5 दिनों तक जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज इसी तरह रहेगा, यानी कि मौसम की जो ठंड है वो और तीखी होती जाएगी। अगर जम्मू की बात करूँ इस समय जम्मू के मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ तो इस समय जम्मू में आपको काफ़ी फॉग देखने को मिलेगी और कुछ जगहों पर आपको बिल्कुल ही फॉग होगी, आपको जीरो विजिबिलिटी वहां पर देखने को मिलेगी। तो लोगों से ये कहा जाता है कि आप लोग जब बाहर निकलेंगे अगर आपके भी एरियाज में फॉग है तो वहां पर आप ध्यान से ड्राइव कीजिए ताकि किसी भी तरह से कोई भी एक्सीडेंट ना हो। इस समय मैं जम्मू के तवे ब्रिज पर आपको ये वेदर अपडेट दे रही हूँ। आप लोग जानते हैं कि चिल्ले कलां के आखिरी दौर में जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज जो है वो फिर बदलता हुआ नजर आ रहा है और प्रदेश के अलग अलग जिलों में सोमवार से ही बादल छाए हुए हैं और जम्मू के कई इलाकों में कोहरे के आगोश में है। मौसम में बदलाव से कई जिलों में दिन का तापमान भी उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले दिनों खराब मौसम के बाद रामबन में जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार प्रभावित भी हो रहा है, मगर कोट रामसू में पस्सियां गिरने से रोके गए यातायात को भी शाम को ही बहाल किया गया। लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने के अनुसार 18 और 19 को जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होगी। हालांकि ये जो मौसम का प्रकोप है यानी मौसम के जो ठंड का मिजाज है वो है वो 5 दिन ऐसे ही रहेगा। तो इस समय आप लोग देखिए कि अगर आप दूर दूर तक नजरें डालेंगे तो आपको फॉग ही देखने को मिलेगी, कुछ जगहों पर विजिबिलिटी भी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी और जम्मू संभाग के कई जिलों में दिन का तापमान जो है वो सामान्य से 6 से 8 डिग्री तक गिर गया है और जम्मू में दिन भर बादलों के छाने के साथ ओस भी जो है वो कल से लगातार पड़ रही है और इससे ठंड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। सर्दी का बाजारों में भी काफ़ी ज़्यादा असर दिख रहा है और यहाँ दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 7.6 डिग्री गिरकर 10.3 और बीती रात का न्यूनतम तापमान जो है वो 9.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और संभाग के बनिहाल में बीती रात का जो न्यूनतम तापमान है वो 3.4 था, बटोत में 5.1, कटरा में 7.2 और बदरवा में 1.5 डिग्री दर्ज किया गया है और कटरा में बीती रात का जो न्यूनतम तापमान था वो सामान्य से 7.6 डिग्री गिरकर 9.6 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। हालांकि राजधानी श्रीनगर की बात करूं तो बीती रात का न्यूनतम तापमान 1.0, पहलगाम में -3.6 और कुलगाम में -4.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। तो इसी तरह से मौसम का प्रकोप जो है, जो मौसम अपने लगातार मिजाज बदल रहा है, सोमवार से 5 दिन और तक आप लोगों को इसी तरह से मौसम देखने को मिलेगा। हालांकि 18, 19 को जो है वो बारिश बताई गई थी लेकिन जम्मू ज़िले में जो है वो 18 को बारिश नहीं हुई है। आज सुबह हल्की बूंदाबांदी जम्मू में देखी गई है लेकिन उसके बाद मौसम जो है वो इसी तरह से जम्मू में कोहरे का आगोश है, कोहरे में जो है वो जम्मू आपको इस समय दिखेगा और अधिकांश जिलों में आपको यही कुछ हाल देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ये वेदर अपडेट जो है वो मैं जम्मू से दिखा रही हूँ जहाँ पर इस समय कोहरा पड़ा हुआ है और कोहरे के साथ लगातार जो है हल्की हल्की ओस भी पड़ रही है जिससे मौसम में और ठंड जो है वो देखी जा रही है और इसका असर जो है वो खासा बाजारों में पड़ रहा है कि ठंड की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं जिससे बाजार में भी इस समय मंदी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है और सोमवार से ही लगातार मौसम का यही मिजाज है जो कि अगले 5 दिन तक ऐसा ही रहने वाला है। और अभी 1-2 दिन जो है वो पहाड़ों में हिमपात हो सकती है और प्लेन इलाकों यानी जम्मू के अधिकांश हिस्सों में बारिश भी जो है उसका आसार बताया गया है। कहाँ कहाँ बारिश हो रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेगा और देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस।